नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं झंझारपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में रुका हुआ हूं और झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में आम लोगों की भी जिज्ञासा बनी हुई है। एडीजे पुलिस प्रकरण में 10 दिसंबर को गिरफ्तार हुए भंगड़िया के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं उसी थाना के SI अभिमन्यु कुमार शर्मा झंझारपुर उपकारा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। उनकी जमानत अर्जी झंझारपुर ACJM कोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है और कब उनको जमानत मिल सकती है, आगे क्या योजना बनेगी, क्योंकि विंटर सीजन भी आने वाला है, सप्ताह 10 दिन हो सकता है कोर्ट बंद भी रहे। ऐसे में मैं झंझारपुर अधिवक्ता झंझारपुर कोर्ट में उनके दोनों पुलिस अधिकारी के अधिवक्ता से जानना चाहूँगा कि जमानत में क्या कमी रह गई और कैसे अब वो जेल से बाहर निकले। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? अभिषेक रंजन। मैं सिविल पोस्ट मधुबनी में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, आप जो दो पुलिस अधिकारी हैं, मैं भोपाल के और अभिमन्यु शर्मा का वकील हूँ। जी, जमानत के बाबत कुछ बताइए, कहाँ रिजेक्ट हुआ है और जी यहाँ क्या योजना? कल ही रिजेक्ट हुआ, परसों 21/12/2021 को जमानत याचिका ACJM 1 सर के द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रथम दिन से ही यह देखा जा रहा है, हर एक स्टेज पे हमारे मुवक्किल के साथ न्यायोचित कार्य नहीं हो रहा है। जैसे इनको जो रिमांड किया गया है वह रिमांड भी गलत है। जिस सेक्शंस में इन्हें रिमांड किया गया है या ऐसा कहें जिस सेक्शंस में पुलिस इन्हें गिरफ्तार की, वो सेक्शंस अवेलेबल है। FIR में जहां तक जिस सेक्शन की बात हम करते हैं, 321, 332, 353, 506/34 IPC और 30 आर्म्स एक्ट, जिसमें 332 और 353 हम पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है कि मैं भी एक सरकारी कर्मी हूँ। मैं ADJ 1 साहब, माननीय ADJ 1 अविनाश कुमार, लेफ्टिनेंट ADJM अविनाश कुमार सर के बुलावे पे न्यायिक कार्य को संपादित करने हेतु उनके न्यायालय में उपस्थापित हुआ था। इसलिए यह मैं अपने न्यायिक कार्य में आया था, सरकारी कार्य से आया था, उनके आदेश से आया था। इसलिए हम मेरे मुवक्किल पे 353 और 332 कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं होता है। हमने इसका प्रे जमानत के समय भी किया था, हमने इसका प्रे जब उनका रिमांड किया जा रहा था माननीय ACJM 1 के द्वारा, वहाँ भी की थी। और एक इससे पहले भी माननीय ACJM 1 के द्वारा एक ऑर्डर पारित किया गया है जो CRPC के में कहीं नहीं दिखता है, जो कोई भी माननीय न्यायाधीश पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी धारा को जोड़ या घटा सकते हैं। यह अधिकार उन्हें है। जब पुलिस के द्वारा चार्जशीट जमा की जाती है, उस समय कॉग्निजेंस के टाइम माननीय न्यायालय इसमें सेक्शंस जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन अनुसंधान अभी चल ही रहा है और उस समय उनके द्वारा कहा गया इसमें 307 भी बनता है, जो कहीं से भी लीगल नहीं है। लेकिन माननीय न्यायाधीश के द्वारा 307 में रिमांड नहीं किया गया, बहुत ही अच्छी बात। 41 के नोटिस पे ही पुलिस को इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश सभी DGP सभी न्यायिक पदाधिकारी को दिया गया है, जिस सेक्शंस में धारा में 7 साल से कम की सजा हो उसमें आप मुझे 41 का नोटिस सर्व करें। पुलिस के द्वारा 41 का चेकलिस्ट माननीय न्यायालय को दिया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और पुलिस को निर्देश दिए
जो आप इलाजों उपरांत स्थापित हो, पुलिस ने कहीं भी अपने आवेदन में मेरे मुवक्किल को न्यायिक हिरासत की मांग नहीं की, इसके बावजूद भी उन्हें न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। चूँकि मैं भी एक सरकारी कर्मी हूँ, मेरे मुवक्किल एक सरकारी कर्मी के लिए वो संविधान, भारत के कानून व्यवस्था को मानते हैं और उसी के वो रक्षक भी हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद की जा सकती है वो इस केस में रिस्पॉन्डर नहीं होंगे। इसका एक उदाहरण यहाँ भी है, डीएमसीएच में ये इलाज रखे, यह घटना 18 की है, 18 तारीख से 7 तारीख तक डीएमसीएच में इलाजरत थे, 7 तारीख को डीएमसीएच से है डिस्चार्ज कर दिया गया और सीआईडी के द्वारा इन्हें 10 तारीख को डीएमसीएच से रिसीव करके यहाँ कोर्ट में उपस्थापित किया। मेरे क्लाइंट के पास पर्याप्त समय था, उस अवधि में वो अपने घर या सीआईडी के पास से दूर जा सकता, लेकिन मेरे मुवक्किल ने न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे अपने विश्वास बनाए रखते हुए उस हॉस्पिटल में 3 दिनों तक सीआईडी का इंतजार किया, वो कहीं नहीं गए, उसी अभिरक्षा में रहे, उसके उपरांत उनका उपस्थापना हुआ यहाँ पर। इससे भी यह देखा जा रहा है कि उनका इंटेंशन कहीं भी इस प्रक्रिया से भागने का नहीं है। इन्हीं सब दलीलों के साथ मैं 15/12/2021 को अपनी बातें रखी थी बेल पिटीशन में, माननीय न्यायालय से मेरा अनुरोध था जो उन्हें इन सभी ग्राउंडों को देखते हुए भी बेल दी जाए, क्योंकि इसमें विशेष धाराएं जो है वो अवेलेबल है और जो दो धाराएं नॉन अवेलेबल है वो मुझ पर डाउट नहीं होता है। लेकिन न्यायालय के द्वारा सीधी कॉल की गई, डायरी केस डायरी मांगा गया और पुनः 21 तारीख को सुनवाई की तारीख दी गई। दिनांक 21/12/2021 को सुनवाई में हमने 17 दिसंबर 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा सा वर्डिक्ट आया है, प्लीज़, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है जो ट्रायल कोर्ट को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, इनकरेज टू बेल नॉट जेल, स्पष्ट रूप से उसका रूलिंग भी हमने निकाल के दिया, गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो 7 साल के कम वाली सजाओं में आपको बेल दे देना है ना कि जेल देना है। अगर बेल नहीं देने के 100 बहाने हैं तो बेल देने के भी 100 बहाने हो सकते हैं, हमें बेल देने पे फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सेक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा, मैं 1 कैटेगरी ए में आता हूँ और जिसमें उनका स्पष्ट निर्देश है जो मुझे बेल मिल जाना चाहिए। हमने ये सारी बातें कही माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय मेरी बातों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने मेरे बेल को खारिज कर दिया। बेल तो सर रिजेक्ट हो गया है, अब अपने तकनीकी जानकारी पुरानी थी, डीएमसीएच से 3 दिन गैप रहने, डीएमसीएच से रिलीज होने के बाद 10 तारीख को यहाँ उपस्थापित करने को लेकर न्यायालय ने सीआईडी के एसपी से स्पष्टीकरण में पूछा है, ये तो अलग मुद्दा है, आप अपनी बात को बड़ी बारीकी से बताया है, अब आगे की क्या योजना है, क्योंकि बेल तो एसीजेएम कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब तक बेल पिटीशन आपने क्या फाइल की या नहीं की तो क्यों? देखिए, सक्षम न्यायालय में मैं बेल पिटीशन फाइल करने से पहले एसीजेएम सर के यहाँ जो हमने बेल फाइल किया था उसमें जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है उसकी सर्टिफाई कॉपी लगानी अनिवार्य होगी, जिसके लिए मैं 22 तारीख को पहला एप्लीकेशन यहाँ पे दिया, मुझे इसकी सर्टिफाई कॉपी 100 समय अर्जेंट उपलब्ध कराया जाए ताकि आज के दिन मैं बेल फाइल कर सकूँ। क्योंकि इस केस में न्यायालय के कर्मी भी इन्वॉल्व हैं, यह केस इसी न्यायालय के अंदर
यह घटना इसी न्यायालय के अंदर घटित हुई है और यह घटना के जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचक है, लर्नेड एडीजे वन अविनाश सिंह, वो यहीं पे पदस्थापित है। उनका एक इन्फ्लुएंस है जिसको देखते हुए न्यायालय कर्मियों ने जानबूझकर मुझे यह सर्टिफाइड कॉपी अभी उपलब्ध कराया है ताकि मैं कल से पहले, अभी मतलब संध्या 4 बजे के बाद, जी संध्या 4 बजे के बाद, और बेल पिटीशन आप 2:30 बजे के बाद फाइल नहीं कर सकते। जानबूझ कर उनकी यही मंशा ही थी तो मुझको ये सर्टिफाइड कॉपी लेट से मिले ताकि मैं ससमय बेल पिटीशन फाइल आज ना कर सकूँ, जिसकी सुनवाई कल ना हो, क्योंकि कल के बाद विंटर वैकेशन 2 जनवरी तक है। अब मैं यह बेल फाइल कल करता भी हूँ, उसकी सुनवाई 3 तारीख से पहले संभव नहीं है। तो इस विलम्ब के कारण आपके जो दोनों वकील हैं वो अभी विंटर सीजन में, मतलब वर्ष 2021 में उपकरण नहीं रहेंगे। अवश्य, इसलिए यह इनकी जो मंशा थी वो तो अभी मुझे हम 100% सक्सेस होते हुए दिख रही है। अधिवक्ता महोदय, एक बात मैं बड़ा ओपन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आपके वकील के साथ वाजिब न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या यह मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ इसलिए? संभवतः, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, या जिस तरह माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उन्हें संदेह था कि चूंकि यह मामला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ कमी कर सकती है, उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इसका अनुसंधान स्वतः CID को ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह इसके ट्रायल का भी केस मिनिमम झंझारपुर कोर्ट में तो नहीं ही होना चाहिए था। जिस तरह पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका अनुसंधान को फैब्रिकेटेड कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ के कर्मी, यहाँ के न्यायालय भी कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं, साक्ष बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ जी। तो इसको मिनिमम मधुबनी जिला कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने की जरूरत थी। मुझे लगता है आज न कल माननीय उच्च न्यायालय इस पर भी जरूर विचार करेगी, लेकिन अभी के प्रोसेसिंग में मुझे तो यही फाइल करना है और ट्रायल कोर्ट का प्लेस भी यही है, तो इन सारी दिक्कतों को तो मुझे झेलना है ही, आगे भी झेलूँगा। फिलहाल आपका मुख्य फोकस अभी गवर्नर पर है। हाँ, इसलिए कि अनजस्टिस यहीं से दिख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे वर्डिक्ट को, सारे गाइडलाइंस को दरकिनार की जा रही है। और जहाँ हम यहाँ एक और बात कहना चाहेंगे, संविधान के आर्टिकल 40 जहाँ हम बात करते हैं न्याय का समान संरक्षण और न्याय के समकक्ष समानता की बात, आर्टिकल 32 कहता है न्यायालय संविधान का गार्जियन रक्षा करने वाला है। न्यायालय से मुझको यही उम्मीद है, कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, संपूर्ण न्यायालय ऐसा नहीं है। ढके छुपे शब्दों में आपने कुछ आरोप यहाँ के स्थानीय न्यायालय पर भी लगाया है, क्या भविष्य में आप इसके खिलाफ भी जा रहे हैं उच्च न्यायालयों में? जी, मैं इस बात के लिए ऑलरेडी हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुका हूँ, जो हमारी सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में हो, चूँकि इस कोर्ट में ACJ 1 सर भी इस केस के एक विटनेस गवाह है, उनका इसी केस में न्यायाधीश होना भी एक फैटल है। धन्यवाद, इन्होंने बताया, अपनी बातें बड़ी बारीकी से बताई, ढके छुपे शब्दों में बहुत सारी जानकारियां भी दी। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में ADJ प्रथम माननीय अविनाश कुमार एवं पुलिस प्रकरण में न्यायिक हिरासत में बंद घोंघटिया के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण
और उसी थाना के SI अभिमन्यु शर्मा वर्ष 2021 में न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। इस बात की तहकीकात, इस बात की स्वीकृति उनके अधिवक्ता महोदय ने भी दी है। नए साल में फिर मिलते हैं। नमस्कार। बिहार 24 सबसे सामना मैं हूं।